Hello student, hope you all are fine at home and keeping your health good. Today let us continue our chapter number 6, which is triangle and its properties. In last video we have discussed about vertex, sides and angle of a triangle. Also we have discussed about altitude of a triangle and midpoint of a median of a triangle. Today let us start our new concept, that is interior and exterior angles. यहाँ पे we can see, यहाँ पे मैंने draw किया है ट्राइंगल ए बी सी. यहाँ पे हमारे जो एंगल है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, वी कैन सी दे आर अवर इंटीरियर एंगल्स. वो क्या हो गए, हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए. फॉर सपोज मैं यहाँ से लाइन खींच रही हूँ, और तो ये जो मेरा एंगल होगा दैट विल बी एक्सटीरियर एंगल. क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीनियर पेयर, ये दोनों एक लाइन पे है, ठीक है. तो ये जो होगा, फॉर सपोज दैट इज 55, तो ये कितना होगा, ये एंगल दैट विल बी 180 माइनस 55. क्यों 180 माइनस 55, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे है दोनों, ठीक है. तो देयर विल बी लीनियर पेयर. ये अगर 55 है तो दैट विल बी 180 माइनस 55. लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ऑलरेडी लाइंस एंड एंगल्स में डिस्कस कर लिया है. यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स. यहाँ पे ए बी एंड सी जो है वो हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए. यहाँ पे मैंने जो ये एंगल ड्रॉ किया है दैट इज अवर एक्सटीरियर एंगल. नाउ द प्रॉपर्टी सेज दैट कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट साइड के दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा. फॉर सपोज दैट इज अवर एंगल, यहाँ पे मैंने क्यू ड्रॉ किया है. फॉर सपोज दैट इज अवर एंगल ए सी क्यू, ठीक है. तो ये जो एंगल सी जो है, मतलब हमारा जो एंगल ए सी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, हमारी ऑपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के. कौन से एंगल्स है हमारे ऑपोजिट साइड में, दैट आर एंगल ए एंड एंगल बी. एंगल ए है और यहाँ पे हमारे पास एंगल बी है, तो उसके बराबर होगा. एंगल ए सी बी विल बी, ए सी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी. ऐसा नहीं है कि हम हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है वो सिर्फ यहाँ पे ही ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ, अगर मैं ये लाइन यहाँ से खींचती हूँ तो आई कैन ड्रॉ ओवर हीयर, यहाँ भी बना सकती हूँ. आई कैन ड्रॉ ओवर हीयर, यहाँ भी बना सकती हूँ. कहीं पे भी मैं मेरा एक्सटीरियर एंगल जो है वो फॉर्म कर सकती हूँ. आपको क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, फॉर सपोज यहाँ पे मैंने एंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, और यहाँ पे मैंने एंगल ड्रॉ किया है, हमें गिवन है 55 और ये गिवन है हमें 30, और हमें फाइंड करना है ये एंगल और ये एंगल. ये एंगल भी फाइंड करना है और ये एंगल भी हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो कैसे कर सकते हैं, वी नो दैट ट्राइंगल के तीनों जो एंगल, मतलब तीनों एंगल्स जो है वो उनका सम कितना होगा, दैट विल बी 180 डिग्री. मतलब ये दोनों को हम प्लस करेंगे और उसको हम 180 में से माइनस करेंगे. और ऑल्सो जो हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की उस हिसाब से ये एंगल हमारा कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी. एंगल ए एंड एंगल बी का सम करेंगे तो हमें ये वाला एंगल जो है वो इजीली मिल जाएगा. अभी के लिए, फिलहाल के लिए अभी हम एंगल ए सी पी ढूंढेंगे. एंगल ए सी पी जो है वो हम भी फाइंड करेंगे. कैसे मिलेगा हमें, दैट विल बी द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी. ओके, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, दैट विल बी 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री. कितना होगा, 5 प्लस 0 इज 5 एंड 5 प्लस 3 इज 8, दैट विल बी 85 डिग्री. ये हमारा एंगल जो है वो होगा 85 डिग्री.